बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। डियर स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू सॉल्व द एक्सरसाइज नंबर 2, दैट इज पुट दीज इन ऑर्डर। ओके, यू मे वांट टू डिस्कस दिस आंसर। सो आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज एंड यू हैव टू ऑल्सो सॉल्व दिस एक्सरसाइज ऑन योर रफ कॉपी। ओके, सो नंबर 1 इज व्हिच ऑफ दिस इज बिगेस्ट एंड व्हिच इज स्मॉलेस्ट। हियर आर सम इंसेक्ट्स such as grasshopper, ant, cockroach, fly and butterfly. Okay, so now these insects are all in disorder. So what should you do? You have to do these all in order. Okay, so number 1 is which is biggest, which is shortest. But सबसे ज़्यादा जो बड़ा होता है वो कौन होता है? butterfly. Okay, butterfly is largest. ओके, देन है हमारे पास ग्रास होपर एंड देन कॉकरोच एंड देन फ्लाई एंड एंट। सो दीज ऑल आर इन ऑर्डर, दैट व्हिच इज बिगेस्ट एंड व्हिच इज शॉर्टेस्ट। ओके, नंबर 2, व्हिच इज लॉन्गेस्ट, व्हिच इज शॉर्टेस्ट। नंबर 1 लॉन्गेस्ट इज बीटललेस, नंबर 2 अर्थवर्म एंड नंबर 3 हुकवर्म एंड नेमाटोड्स आर द स्मॉलेस्ट वन। ओके, सो दीज ऑल आर put in order, that this is longest, this is second longest, and then this and then this shortest is nematode. Now which is quietest, which is noisiest? इनमें से कौन सा है जिसका आवाज़ सबसे ज़्यादा तेज़ होता है, ठीक है, और सब और कौन सा होता है जिसका आवाज़ जो है वो बहुत ही स्लो होता है, quietest होता है? ओके, सो सबसे पहले बीटल जो है वो क्या होती है? वो quietest होती है। देन है हमारे पास उसके बाद सेकंड नंबर मॉस्किटो, ठीक है, देन थर्ड नंबर है हमारे पास उसके बाद फ्लाई, देन बी एंड देन क्रिकेट। सबसे जो नॉइजेस्ट होता है, जिसकी तेज़ आवाज़ होती है, वो होती है क्रिकेट की, ठीक है। क्रिकेट के इंसेक्ट्स है मोस्टली, जो नाइट होती है रात के टाइम में इनकी आवाज़ें हमें सुनाई देती है। ओके, नंबर 4th इज व्हिच इज सॉफ्टेस्ट, व्हिच इज हार्डेस्ट, ठीक है। इनमें से सॉफ्ट इंसेक्ट्स कौन सा है और हार्ड इंसेक्ट्स कौन सा है? सो बटरफ्लाई इज सॉफ्टेस्ट, देन ड्रैगन फ्लाई एंड देन एंट एंड देन लेडी बर्ड एंड देन बीटल इज अ हार्डेस्ट इंसेक्ट। लेडी बर्ड इज आल्सो हार्डेस्ट एंड देन हार्डेस्ट इज बीटल। बीटल इज हार्डेस्ट इंसेक्ट, ठीक है। इनकी बॉडी को अगर हम देखें तो बहुत ही क्या होती है, हार्ड होती है। जैसे कि लेडी बर्ड की बॉडी के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसकी बॉडी क्या जो है वो बाहर एक्सोस्केलेटन होता है, तभी इसकी बॉडी क्या होती है, हार्ड होती है, ठीक है। तो दीज ऑल आर पुट इन ऑर्डर, नाउ यू हैव टू डू दिस ऑल इन योर रफ कॉपी। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ योर होमवर्क इज यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। नंबर 2 क्वेश्चन, नेम 2 मैमल्स दैट लिव इन वाटर। नंबर 3, नेम 5 इनवर्टिब्रेट दैट कुड बी लिविंग इन द गार्डन। ओके, लिविंग इनवर्टिब्रेट्स आर द मोस्टली इंसेक्ट्स। ओके, सो आपने क्या करना है, इंसेक्ट्स के वो 5 नेम लिस्ट करने हैं जो कि कहाँ पे रहते हैं, गार्डन में रहते हैं, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन इज नेम 2 मैमल्स दैट लिव इन वाटर। एज यू नो दैट मैमल्स मोस्टली लिव ऑन द लैंड, ठीक है। मैमल्स ज़्यादातर कहाँ पे रहते हैं, ज़मीन पे रहते हैं, लेकिन 1-2 मैमल हमारे पास ऐसे भी है जो कि कहाँ पे रहते हैं, वाटर में रहते हैं, ठीक है। सो नाउ यू हैव टू सॉल्व दीज 2 क्वेश्चंस, नंबर 2 एंड 3, एंड सेंड मी ऑन व्हाट्सएप। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।